हेलो दोस्तों, कैसे? उम्मीद करते अच्छे होंगे। मैं नबील अहमद आज फिर से मैं सामने बैठा हुआ हूँ। ड्यूटी से आया, सोचा मैं क्या करूँ और जस्ट पानी उनी पिया। मैंने सोचा चलो यार, दो दिन से वीडियो नहीं बनाया हूँ, तो वीडियो बनाते हैं, अपलोड नहीं किया यूट्यूब पे, करना भी है। फिर मैंने सोचा कहाँ पे वीडियो बनाऊँ, रूम में बनाऊँ, यहाँ पे, मैं चलो यहीं पे बनाता हूँ। फिर अब हमने टॉपिक से कौन से टॉपिक पे कोई कंटेंट तो लिख के रखे हुआ नहीं था पहले से। फिर मैंने मुझे ये रिमेम्बर हुआ कि मैंने एक इक्विपमेंट सर्विस का एक कोड पढ़ रहा था, उसके डायरेक्टर ने वो राइट किया था। वो तो उसमें वो लिखा हुआ था कि देयर आर द सम टिप्स विच कैन हेल्प यू डेवलप योर कैरियर, है किस तरह से, जो अगर आपका कोई टिप्स है जो आपको कैरियर में एडवांस कर सकता है, द सम ऑफ की टिप्स, 4-5 टिप्स है, तो उसी टिप्स पे हम लोग बात करेंगे। वी नो डैट सबसे पहले हम ये बात आते हैं, इन दिस मार्केट, कम्पिटिटिव मार्केट, इट इज़ द वेरी डिफिकल्ट टू गेट द राइट जॉब फॉर अस। ये बहुत ही डिफिकल्ट है बिकॉज ऑफ कंपनीज ओपन द वन पोस्ट एंड हाउ मेनी नंबर्स ऑफ पीपल्स आर अप्लाइंग फॉर दैट पोस्ट। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट, इट इज़ नॉट सो ईजी बट इज़ नॉट डिफिकल्ट वी कैन से। हम लोग कह सकते हैं इतना ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। जो की टिप्स है उसमें से तो कुछ टिप्स तो हम भी गलत कर रहे थे। हमने जब माई सेल्फ एवेल्युएट आवर कि यस वेयर इज़ आवर मिस्टेक, वाई यू आर नॉट गेटिंग द गुड जॉब एंड हाउ टू द एडवांस हेल्थ एंड सेफ्टी कैरियर, तो हमने देखा कि हाँ ये मिस्टेक है। और 75% ऑफ द एप्लीकेंट्स आर रिजेक्टेड, जहाँ पहुँचना चाहिए उससे पहले ही वो रिजेक्ट हो जाता है 75%। तो अब बताइए 75 पहुँचता ही नहीं है तो फिर, तो फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन हम लोगों ने सुना होगा। तो यहाँ पे सीवी की हम बात करेंगे। फर्स्ट अगर हम बात करते हैं तो यू कैन गेट द वन चांस टू प्रूफ योर सेल्फ, टू प्रूफ योर इम्प्रेशन, तो पहला बहुत बड़ा है। तो वो क्या है, व्हाट इज़ दैट, तो सीवी है डेफिनेटली। अगर हम सीवी डेवलप कर रहे हैं, लेट्स गो एंड ओपन आवर सीवी एंड चेक फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम्स वेयर इज द आवर मिस्टेक एंड हाउ योर कॉन्टेंट इज डिज़ाइन देयर, हाउ डिड यू राइट इन द सिक्वेंस, आपको देखना होगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि आपको देखना हो कि आपका वो लेटर कैसा है, सीवी का एरियल्स है, इटैलिक है, बोल्ड में कौन सा लिखना है। ठीक है, आपका जो पर्सनल इंफॉर्मेशन क्या है, ओवरव्यू कहाँ आप दे रहे हैं, उसके बाद आपका क्वालिफिकेशन, एकेडमिक क्वालिफिकेशन कहाँ आप दे रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस कहाँ दे रहे हैं, हाईलाइट किस तरह से कर रहे हैं, फॉन्ट का साइज क्या है, इट मीन्स द ओवरऑल हेयर इज द फाइनली इट मीन्स, जो आपका सीवी जब जाएगा तो जैसे ही आपका सीवी सामने में आए तो इम्प्रेस्ड हो, आपका जो रिक्रूटर है, जो रिक्रूटमेंट सर्विस है, जो आपका शॉर्टलिस्टिंग कर रहा है, वो उसको इम्प्रेशन होनी चाहिए। द वंस ही विल बी इम्प्रेस देन योर सीवी फॉरवर्ड टू द हेड ऑफ डिपार्टमेंट या द रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट या जो आपके डिपार्टमेंट में कहीं भी जहाँ से आपका फाइनली इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, जब वहाँ HR ही आपका जब सिलेक्शन देखते के साथ वो इम्प्रेशन नहीं होगा तो डेफिनेटली मतलब वो सही नहीं होगा। योर सीवी शुड नॉट बी मोर देन 3 पेज से ज़्यादा नहीं। मेरा सीवी पहले 8 पेज में था, उसको मैंने शॉर्ट किया हूँ। ठीक है, आप भी सॉर्ट करें अगर ज़्यादा, क्योंकि एक्सपीरियंस बढ़ता है तो सीवी का आपका फिर नंबर ऑफ पेज भी आपका इंक्रीज कराता है, तो ये चीज़ को देखें। ठीक है, जब सपोज डैट आपने जॉब किया फिर आपने छोड़ दिया, है ना, तो यू शुड बी क्लियर है कि वाई, व्हाट वी आर डूइंग इन दिस बिटवीन, है ना, द फर्स्ट एम्प्लॉयर टू सेकेंड एम्प्लॉयर इन द बिटवीन द 1 ईयर्स गैप, व्हाट वी आर यू डूइंग इन दैट पीरियड, तो आपको उसको भी आपको क्लियर करना है। कोई फोटो आप लगाते हैं, इमेज, अगर प्रोफेशनल फोटो है तो इट्स ओके, अदरवाइज फोटो ना भी लगाएं तो चलेगा। ठीक है, आप स्पेलिंग मिस्टेक अगर आप है उसमें वो भी चेक कर लें। ठीक है, ये सब बेसिक आप सीवी में जरूर यू हैव टू गो थ्रू एंड चेक वन बाय वन केयरफुली। द सेकंड अगर हम बात करते हैं तो यू विल नीड द टेक्निकली कॉम्पिटेंट। कितने हमारे दोस्त पूछते हैं कि आप बताएं ये जॉब मिल सकता है, यहाँ हम इतना क्वालिफिकेशन है, तो आप मार्केट को सर्च करें, ये कंपटीशन का मार्केट है, आप इसमें देखें हैं जो रिक्रूटर है वो क्या मांग रहा है, एम्प्लायर क्या सर्च कर रहा है, क्या देख रहा है, इस चीज़ को आप देखें ज़रूर। तो यू शुड बी कंपिटेंट टेक्निकली इफ़ यू आर गोइंग टू अप्लाई एंड व्हाट काइंड्स ऑफ द इंडस्ट्रीज, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द इंडस्ट्रीज, आपको देखना है और ख़ुद को टेक्निकली कैसे कंपिटेंट हो सकते हैं। So this is the very important, you have to
कंप्लीट योर द स्पेसिफिक कोर्सेज, यू हैव टू कीप अपडेट, आपको रखना पड़ेगा। और एक एक्सपीरियंस भी है, वी कैन नॉट डिनाई एक्सपीरियंस है ना, एक्सपीरियंस आल्सो शुड बी इन योर हैंड व्हाइल यू आर गोइंग टू ज्वाइन द इंटरव्यू। आपको एक्सपीरियंस से भी आपको टेक्निकली नॉलेज होता है, कुछ सम ऑफ आप कह सकते हैं कि सम ऑफ द टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक दिस हेल्थ एंड सेफ्टी क्वालिफिकेशन, जैसे कि आप NVQ लेवल कर सकते हैं, NIVOS कर सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ जो रिक्रूटर है वो अभी मार्केट के अंदर में ये डिमांड करती है, स्पेशली जो एब्रॉड में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उनके लिए ये सब है कि आप कोर्स कंप्लीट करें। बिकॉज ऑफ व्हाई द एम्प्लॉयर द आस्किंग अबाउट यू टेक्निकली, बिकॉज ऑफ यू आर एम्प्लॉयड, आप उस जगह पे यू आर गोइंग टू ज्वाइन दैट कंपनी। हाउ द बेनिफिट, हाउ कैन यू गिव बेनिफिट टू द कंपनी, कैसे आप बेनिफिट, व्हाई एम्प्लॉयर विल बी रिक्रूट यू, क्यों करेगा, क्यों एम्प्लॉयर आपको ज्वाइन करवाया, क्यों आप कंपनी, बिकॉज ऑफ यू हैव योर ऑब्जेक्टिव विल बी देयर्स, यू विल नीड टू प्रिवेंट द इलनेस इंजूरी, वर्क प्लेस इंजूरी एंड डेथ। अगर ये डेथ और इंजूरी होगा तो क्या होगा, लॉसेज होगा कंपनी का। तो यू हैव टू सेव मनी एंड प्रॉपर्टी ऑफ योर द कंपनी, अपने कंपनी का आपको, आप जब टेक्निकली अगर रहेंगे तभी ना आप भी करेंगे, जब ना सजेशन दे सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं। जब भी आप ही करें तो आप देखें कि आपकी क्वालिफिकेशन कहाँ मीट कर रही है, कहाँ जाके सूट कर रहा है, उसी हिसाब से आप, जैसे कि अब आप IOS की बात कर लें अगर मेंबरशिप की, तो वो भी देता है, एफिलेटेड मेंबर्स हैं, टेक मेंबर हैं टेक्निकल। अब जैसे कि आप NIVOS Level 3 करते हैं, जो इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट कहाँ स्टैंड करता है, वो जाके Level 3 का कोर्सेज है, हेल्थ एंड सेफ्टी में कहा जाता है कि आप टेक्निकली आप फिट हैं, आपके पास कुछ ना कुछ नॉलेज होगा, तो एम्प्लॉयर उसको आपको प्रायोरिटी देती है। तो एटलीस्ट कम से कम NIVOS भी कर लें, और जैसे डिप्लोमा आप लोग 1 ईयर 2 ईयर्स किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट से, किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो वो भी एक अच्छा। तो आपको टेक्निकली होने के लिए आपको एजुकेशन और प्लस एक्सपीरियंस भी। अगर थर्ड की, जैसे कि थर्ड की अगर हम बात करते हैं, तो वैसे देर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर एक्सपीरियंस, कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है एक्सपीरियंस। हम जैसा जानते हैं एक्सपीरियंस इज द वन द बेस्ट टीचर, वो एक्सपीरियंस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल जॉब, बट हेयर द स्पेशली टॉकिंग अबाउट द हेल्थ एंड सेफ्टी जॉब। सो हेयर यू शुड बी डेवलप योर सेल्फ, द हाउ विल यू डेवलप, यू हैव, इफ यू आर इन द बिगिनिंग स्टेज, यू हैव टू ग्रेप फर्स्ट एनी ऑफ द जॉब्स विच इज़ द रिलेवेंट द हेल्थ एंड सेफ्टी, डोंट थिंक दिस पोस्ट इज नॉट गुड फॉर मी, एंड जस्ट यू हैव टू इंटर देयर। आपको एक्सपीरियंस लेना है, एक्सपीरियंस चेंज योर एटीट्यूड एंड डेवलप योर स्किल एंड नॉलेज। ये क्या है, ये जो आपका हेल्थ एंड सेफ्टी में जब नॉलेज आपका डेवलप करेगा, जब आपका स्किल डेवलप करेगा, तो ये एक बेनिफिशियल होता है, ये बेनिफिट होता है एक एम्प्लॉयर के लिए, एक कंपनी के लिए। एक्चुअली द हेल्थ एंड सेफ्टी, आप किसी से बात कीजिएगा हेल्थ एंड सेफ्टी, किसमें भाई हेल्थ एंड सेफ्टी में, बट बिकॉज दे आर अनअवेयर, वो लोग नहीं जानते हैं, इसीलिए तो बोलते हैं। तो अगर आपके पास है तो यू कैन एक्सप्लेन व्हाई द सेफ्टी, हेल्थ एंड सेफ्टी, व्हाट इज द बेनिफिट, व्हाई वी शुड ज्वाइन हेल्थ एंड सेफ्टी फील्ड, आप बता सकते हैं। तो आपको एक्सपीरियंस भी हम कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस का कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। तो ये कैसे होगा, तो ये एक्सपीरियंस आप कोई भी जॉब मिलता है, फर्स्ट आप उसको ग्रैब करें, फिर उसके बाद आप जब डेवलप करेंगे तो आपका स्किल भी, नॉलेज भी। यहाँ पे एक इज द वन द वेरी इम्पोर्टेंट, एंड हम कह सकते हैं यहाँ पे हम स्ट्रांगली रिकमेंड करेंगे यहाँ पे, जैसे कि हेल्थ एंड सेफ्टी में अगर सोशल स्किल भी होनी चाहिए। सोशल स्किल का मीन्स हम कह सकते हैं कॉमर्शियल स्किल या सोशल स्किल भी होना। सॉफ्ट स्किल इज वेरी इसेंशियल फॉर अस, फॉर द सेफ्टी प्रोफेशनल। अगर हमारे पास स्किल है तो डेफिनेटली डैट आवर स्किल्स विल हेल्प एंड इन्फ्लुएंस फ्रॉम द टॉप टू बॉटम आवर कैरियर एंड आवर कैरियर, प्रोफेशनल लाइफ में भी इन्फ्लुएंस करेगा। अब इसमें बात आती है कि किस तरीके से आप अपने स्किल को डेवलप कर सकते हैं, कौन कौन सा स्किल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। स्किल जो है ना, वो आपका सेफ्टी कल्चर को भी डेवलप करेगा। अगर आपके अंदर स्किल है तो डेफिनेटली वो सेफ्टी कल्चर को भी, योर ऑर्गेनाइजेशन सेफ्टी कल्चर्स विल बी इन्फ्लुएंस एंड डेवलप वहाँ करेगा।
तो कौन कौन से स्किल है, जैसे कि हम बात करते हैं दो तीन है, जैसे कम्युनिकेशंस हो गया, लीडरशिप के अंदर वो एबिलिटी टू है इन्फ्लुएंस करता है, आप इंगेज करते हैं लोगों को, ये भी आपका स्किल है, आपका वर्क इथिक जो है प्रोफेशनल इथिक वो भी आपका इफेक्ट डालता है। तो ये सब आपके अंदर अगर स्किल है तो डेफिनेटली वी विल एडवांस योर कैरियर इन हेल्थ एंड सेफ्टी। फाइंड आउट द ग्रेट मेंटर, ये भी है इसमें आप टिप्स कह सकते हैं एडवांस हेल्थ एंड सेफ्टी कैरियर में। तो जो मेंटर होते हैं हमेशा यू हैव टू ज्वाइन, यू हैव टू इंटरेक्ट विद द सेफ्टी प्रोफेशनल, बिकॉज ऑफ डेफिनेटली ही विल गिव यू ए न्यू एंड एडवांस एक्सपीरियंस। तो आप उनसे टच में रहें, एडवाइस है आप उनसे ले सकते हैं, आपके कैरियर में वो हेल्प कर सकते हैं, उनसे आप डिस्कशन कर सकते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी एक लिंक्डइन प्लेटफॉर्म है, तो उससे भी आप जब जब अभी हमारे प्लेटफॉर्म से आप जुड़ रहे हैं, तो ये भी एक वे हम कह सकते हैं, ये भी एक टिप्स है कि आपको जुड़ना चाहिए, ठीक है? क्यों? क्योंकि आप हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशन में, ठीक है? मैं भी कितना चैनल सब्सक्राइब किए हुआ हूँ, ठीक है? तो आप भी आप चैनल सब्सक्राइब करें और इस तरह का और भी जहाँ से जो भी हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल है उनसे जुड़े, मेंटर से हैं। व्हाट विल हैपन, डेफिनेटली इफ यू विल ज्वाइन विद द प्रोफेशनल, यू विल सिट, यू विल कम्युनिकेट, हैं, यू विल लर्न समथिंग, यू विल फाइंड आउट समथिंग्स फ्रॉम हिम्स, एंड यू विल लर्न फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस, ही विल शेयर द सम हेल्थ एंड सेफ्टी एक्सपीरियंस। सो यू क्या होगा कि आपको वो भी एक टिप्स है जो आपका एडवांस हो जाएगा हेल्थ एंड सेफ्टी कैरियर, ठीक है? तो बेसिक एक चीज़ मैंने ये भी बताया। अब जैसे कि आज के डेट में आप देख रहे हैं जो COVID-19 हो गया, ये भी एक टिप्स है कि आज के डेट में जो ऑफलाइन जितना काम होता था, जो आप स्टडी क्लासरूम में करते थे, आजकल सब वर्चुअल हो गया है, कई ये वेबिनार है, तो नेटवर्किंग डेवलप करें, ठीक है? नेटवर्किंग इट मीन्स कि अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं तो इट मीन्स आप भी उस नेटवर्किंग का हिस्सा हैं, यू आर द पार्ट ऑफ दैट, है ना? एंड दैट इज द सिमिलर यू द प्रोफेशन, सो व्हाई विल यू नॉट ज्वाइन विथ अस, क्यों नहीं ज्वाइन कीजिएगा? तो ये भी एक है, नेटवर्किंग डेवलप करें। और सपोज डैट अगर हम लोग आयोस की बात करें, तो आयोस भी क्या है कि ये मेंबरशिप क्या है, एक नेटवर्किंग डेवलप करता है। अगर जिस ब्रांच से हम लोग मेंबरशिप है, वहाँ के जितने भी ब्रांच के जितने भी जो एक लिंक होगा, जितने भी सारे लोग किसी भी सेमिनार वेबिनार में आप अटेंड करेंगे, तो आप उनसे बहुत चीज़ उस नेटवर्किंग से सीखते हैं। तो ये भी एक एडवांस, मतलब हम कह सकते हैं, विच विल बी हेल्पफुल एंड डेवलप एंड एडवांस हेल्थ एंड सेफ्टी कैरियर। हाँ, बात आती है, ये तो कुछ टिप्स की बात हो गई, अब हाउ विल यू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू? अब आपको कॉल आ गया, फलाने साहब आप आ जाइए, तो आपको मतलब इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, तो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट इंटरव्यू। कैसे प्रिपेयर होइएगा? तो यहाँ पे कुछ टिप्स है इसमें भी, कि अगर आप चाहते हैं इंटरव्यू के लिए, सबसे पहले यू हैव टू बी योरसेल्फ काम, आप हमेशा शांत रहें, क्योंकि इंटरव्यू के वक्त क्या होता है, थोड़ा पास होंगे नहीं होंगे इस तरह का फीलिंग होता है, डेफिनेटली मुझ में भी होता है, तो ये नॉर्मल है। तो इस तरह का आप पहले काम हो जाए। कुछ चीज़ है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैं फिर से वही बात बोलूँगा, आप जाएँ अपने CV को देखें, आप CV में क्या लिखें, अपने एक्सपीरियंस में क्या क्या लिखें, आप CV को ज़रूर देखें, क्योंकि यू हैव टू गो थ्रू विथ योर CV, यू हैव टू रीड मोर देन 1 and 2 times। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, तो अगर आप वर्चुअल आजकल तो इंटरव्यू होता है CV प्लेटफॉर्म से, तो वहाँ पे आप देख लें कि आपका कैमरा सही है, माइक्रोफोन सही है, हर चीज़ सही है, ठीक है? और अगर आप कहीं किसी भी अगर ऑर्गेनाइजेशन में जाएँ, तो टाइमली कुछ देर पहले पहुंच जाएं आप इंटरव्यू के लिए, ना कि एकदम इंटरव्यू स्टार्ट होने वाला हम उसी टाइम में पहुंचें, थोड़ा देर पहले पहुंच जाएं, ठीक है? CV आप दो कॉपी अगर आप जा रहे हैं, दो कॉपी लेके जाएं, हो सकता है कि उसके पास कॉपी ना हो, एक कॉपी आप दे देंगे, एक कॉपी अपने पास रखेंगे, वो वहाँ से पूछेगा वो 1 by 1, और आप देख देख के उसको बता सकते हैं कि यस व्हाट ही इज़ आस्किंग। तो ये भी एक ये है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान दें, क्योंकि आपका जो CV आप रीड करेंगे ना, उसमें एक्सपीरियंस होगा। मान लें 5 companies में आपने काम किया, 25 March 2005 to 6 March 2007, तो आप इस तरह से 2 years का कैसे आप इसलिए मेमोराइज रखें, आप कब से कब काम किए हैं, ये बहुत ज़रूरी है। ये इंटरव्यूअर जो है ना, ये चीज़ पूछ के अब वो कन्फ्यूज़ करता है।
तो आप जहाँ जहाँ काम किए, क्या क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी था इन द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, वेरी वेरी योर द पास्ट एक्सपीरियंस, उसके बारे में याद रखें, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और जिस कंपनी में आप जा रहे हैं उसके वेबसाइट पे जाके उसके बारे में भी पढ़ लें, क्योंकि वो दो तीन क्वेश्चन वहाँ से करेगा ही करेगा, ठीक है। मान लिया कहीं आप कंस्ट्रक्शन फील्ड में जा रहे हैं, तो जाहिर सा जनरल क्वेश्चन पर पूछे, कहीं पावर एंड यूटिलिटी प्रोजेक्ट पे जा रहे हैं, किसी इंडस्ट्रीज में जा रहे हैं, वहाँ पे आपको ज़्यादा वर्क एट हाइट से नहीं पूछेगा, वहाँ पे थ्रेशोल्ड पूछ देगा, क्या लिमिट वैल्यू है, TLV क्या है, TWA क्या है, ठीक है, आइसोलेशन क्या है, पर्जिन क्या है, लॉग आउट टैग आउट सिस्टम क्या है, परमिट सिस्टम क्या है, बहुत सा ऐसा नया नया जहाँ पे जो इस तरह केमिकल यूज़ हो रहा है वो केमिकल से रिलेटेड पूछ देगा, कैसे हेल्थ हैजर्ड है। आप सोच रहे हैं किसी वर्क एट हाइट से पूछेगा एक्सकेवेशन, यानी कि कंस्ट्रक्शन में पूछेगा, और जब इंडस्ट्रीज में आएगा थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन, तो वहाँ के बारे में वो समझ ले। तो ये है द फाइनली हम यही बोलेंगे कि जब भी आप ये टिप्स, तो हमने जो 4 और 5 टिप्स की हमने बात किया, ठीक है, किस तरह से CV को आपको अपडेट करना, पहला चांस इम्प्रेशन देना है सबसे पहले, ठीक है, उसी तरीके से आपका एजुकेशन भी होना, टेक्निकली आपको स्ट्रांग होना है, एक्सपीरियंस होना है, नेटवर्किंग ज्वाइन करना है, आपको कनेक्टेड होना है प्रोफेशनल लोगों से, फाइनली आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होना है, जो हमारा अपना बोलने का स्टाइल है उस इसमें हम बताते हैं, ठीक है। तो अगर कुछ गलती होगी तो सॉरी फॉर दैट, सो आई होप सो दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू।